अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आई नो मैं ये व्लॉग लेट अपलोड कर रही हूँ, है जश्न मिलाद का। अगर आप सबको लाइक करें, लाइक अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ये मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ और आप सब इसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन हाँ, रश बहुत था, बहुत था। चलें, लेट्स चलते हैं। अब हम इस रश से निकल के पूरा, हम दरअसल गए थे पैदल और बहुत हमें मज़ा आया था। आई नो मैं आप लोगों के साथ लेट शेयर कर रही हूँ, उसके लिए माजत आप सबके साथ। लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी सी पहाड़ियाँ हैं, ये पूरा गली गली सजा हुआ है शहर, और इतना तो मज़ा आया था और इतना बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ और कुछ हल्ला गुल्ला और इतने मज़े किए। यानी कि लोगों का अक्सर लोग अपने जिनके हस्बैंड बाइक थे उन्होंने वीडियो कॉल मिलाकर अपने हस्बैंड्स को दिखा रहे थे रास्ते में और इतने मज़े के सीन थे, क्या बताऊँ मैं आप सबको। इतना आप सब देखिएगा, बहुत यानी कि बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा। और मुझे सबसे प्यारी जगह जो लगी थी वो मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताती हूँ, अभी वो आगे आएगी और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये था हमारे चांदनी चौक वाली साइड, जो कि बहुत प्यारी हर साल सजती है, लेकिन इससे ज़्यादा प्यारी सजती है हमारी मदरसा गोसिया वाली में। हाँ, स्पीकर में कलमे शलमे नाते वगैरह खुद पढ़ते हैं, उधर बच्चे बैठ के, बड़े बैठ के, लड़के बैठ के, लेकिन वो बहुत प्यारा व्यू था। मदरसा गोसिया वाला तो हर साल ही बेस्ट होता है, और यानी कि ये इधर सजाए जाते हैं, इधर बहुत जोश वोश फरोश के साथ रबी अव्वल को मनाया जाता है, ईद के त्यौहार की तरह मनाया जाता है। इधर मॉर्निंग में इधर वो होते हैं, जुलूस वगैरह निकलते हैं रबी अव्वल के, और सारे तैयार होकर सुबह नहा धो के नए कपड़े पहन के जुलूस में जाते हैं, फिर शाम को सारे इधर ये लाइटिंग देखने जाते हैं रात के टाइम। और हम गए थे रात को तकरीबन 10-11 के करीब, और इतना हम लोगों को मज़ा आया था 10-11 के करीब, इतना बहुत ज़्यादा, बहुत ही इन्होंने बहुत ही प्यारी चीज़ें की हुई थी। अब आप खुद देखें ये सारी, कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा। अब आप इसमें ना देखेंगे ऊपर की तरफ, ये कैसे कितना प्यारा चांदनी चौक का वो जो एक मोड़ है ना उधर गोल के, वो भी उन्होंने सजा रखी है, और बहुत मज़ा आया था सब कुछ देख के, बहुत ज़्यादा। और ये देखें ये वाली जगह, हर साल इधर ये यूँ पानी निकलता है, और ये सबसे बेस्ट जगह है, मुझे ये बहुत बेस्ट लगती है। अच्छा तो गाइज हम आ चुके हैं मदरसा गोसिया वाली साइड पे। ये जो ऊपर देखिए मस्जिद कितना गुंबद सा बनाया हुआ है, इन्होंने बहुत प्यारी इधर सजावट की हुई थी, और पीछे माशाल्लाह से स्पीकर्स में, और इन्होंने बहुत एहतमाम किया था कि एक साइड पे मेल्स चलें एक साइड पे फीमेल्स चलें, इन्होंने बहुत एहतियात की थी। बहुत मज़ा आया था हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। और इधर ही लोग को हमने देखा था, इधर बहुत रश होता है, इधर से भी गुजरने में मसला होता है एक ये, और एक होता है हमारा चौक अमीर मिलत वाली साइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा रश होता है। हम पूरा शहर फिरे थे, और हमने हमें कहा था कि हाँ आप लोगों को ले जाते हैं कि बाइक से आएगी इस तरह से दिखाने के लिए, तो हमने मना कर दिया था कि नहीं, जो मज़ा हमें पैदल जाने में आएगा वो मज़ा हमें इस तरह नहीं आएगा। क्योंकि देखें आप पैदल चल के जब जाते हैं तो आप एक एक छोटी छोटी चीज़ आप देख रहे होते हैं, तो उसमें आपको सही नज़र आता है, आप किसी
वैकेंसी के ज़रिए जाती हूँ, तो आपको सार बस वो चलती रहेगी वैकेंसी और देखते रहना। आप पैदल जा रहे हैं, आप थोड़े रुक रुक के एक एक चीज़ को सही तरह से देखते हैं। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा। बच्चे की छीन चला रहे हैं। चलें गाइस, अब होते हैं घर की तरफ वापस आने का। ये हम आ चुके हैं घर के नज़दीक। घर के नज़दीक थोड़ी बहुत सजावट थी, ये हमारी घर के बिल्कुल पास वाली जगह है, बिल्कुल घर के साथ है। और ये भी इतनी प्यारी माशाल्लाह से सजाई हुई थी। इधर हमारे भाइयों ने भी मिलके काम किया था और सब ने। और ये घर के पास एक छोटी सी पहाड़ी थी। अगर आप सबको ये मेरा पूरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।